हाय, क्या आप भी ऐसे लोग के साथ में रहते हो जो सुबह उठ करके अपनी इस मॉर्निंग को अच्छा बनाने की जगह पे चीज़ों को कंप्लेन करते, चीज़ों को गालियाँ देते, चीज़ों को यू नो क्रिटिसाइज करते हैं सुबह सुबह उठने के बाद? डू यू नो ऐसी लाइफ कैसी होगी? डू यू नो दैट कैसी ज़िंदगी होती होंगी उनकी? वेल, मेरा नाम प्रवीण है। मैं अपने नाना नानी के पास में रहता हूँ। सो व्हाट हैपन, आई ट्राई टू माय बेस्ट कि मैं अब खुद को पॉजिटिव रख पाऊँ, अपने माइंड को पॉजिटिव रख पाऊँ। मे बी समटाइम्स आई एम एबल टू पॉजिटिव, बट समटाइम्स मैं भी अफेक्टेड हो जाता हूँ उनके ज़रिए। रहने दो, हटो। अरे ऐसे करो ना, नाम नहीं सही है। अरे यार हटो ना यार, स्टॉप इट। कि एक्चुअली उनकी एज भी है, तो ही इज़ ए उनकी एज जो है वो अप्रॉक्स 70 और 65 के आसपास दोनों की है। तो सुबह से उठने के बाद यार कि इंसान खुद को पॉजिटिव बोलता है, इस ब्रह्मांड को पॉजिटिव देता है, इस यूनिवर्स को थैंक्स बोलता है, एंड उनकी वाइब्रेशंस को फील करता है कि उसकी मॉर्निंग अच्छी हो पाए। एंड समटाइम्स हम ऑब्जर्व करते हैं कि लोगों को चाहिए होती हैं कि भाई उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए, उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे। बट शायद उन्हें ये पता नहीं चलता कि यार वो कर क्या रहे हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि शायद वो जिस चीज़ को वो कंप्लेन कर रहे हैं, जिस चीज़ को वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो शायद इस चीज़ को भूल रहे हैं कि चीज़ें वही घूम फिर के उनके पास आने वाली है, वही चीज़ें घूम करके उनके पास आ रही है। आप जो यूनिवर्स को देते हो, यूनिवर्स वही आपको अगेन रिबैक देता है। ये लॉ हमने देखा है, ये लॉ हमने सुना है, ये लॉ हमने समझा है कि आप जो दूसरे वाले को देते हो आपको भी वही मिलता है, किसी भी एंगल से, किसी भी एरिया से। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि शायद मेरी कोई गलती है कि मेरा जन्म इन लोगों के बीच में हुआ, ऐसे माँ बाप मुझे मिले। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने माँ बाप को, अपने इन सारे लोगों को मैं कंप्लेन करूँ, इन सबको मैं ब्लेम करूँ कि क्यों, इन सबसे मैं झगड़ा करूँ, इन सबको मैं आर्ग्यूमेंट करूँ कि यार क्यों ऐसा मेरे साथ में, ऐसा क्यों हो रहा है। लाइफ है यार, तो ज़िंदगी है, सीखना पड़ेगा। और जीतना भी पड़ेगा। कौन सा एक्शन आदमी को प्रो बना देगी, हु नोज। तो दैट वाज द माय क्वेश्चन ऑफ दैट थिंग्स। तो आई वांट ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपनी लाइफ को चेंज कर पाऊँ, एंड ना सिर्फ अपनी लाइफ को चेंज कर पाऊँ, दैट आल्सो कि मैं अपनी फैमिली की, अपने विलेज के लोगों की, अपने सराउंडिंग की, उन सभी की ज़िंदगी को मैं ट्रांसफॉर कर पाऊँ। बट तब तक मैं नहीं कर पाऊँगा जब तक मैं अपने माइंड को खुद पॉजिटिव ना कर लूँ, खुद मैं पॉजिटिव ना बन जाऊँ। और रहेगी बात तब सीखने की, तो भाई सीखने के लिए मैं तत्पर हूँ, बस ज़िंदगी सिखाती रहे, मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहूँगा। सो होप यू अंडरस्टैंड इस वेरी वेल। तो आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आई होगी। इफ़ यू अंडरस्टैंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, कि चीज़ों को समझा जाए। सो